तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हम फाइनली उठ चुके हैं, 6 बज चुके हैं। और गाइस, रात बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी, बहुत ठंड थी रात। और इधर कुछ हमने ये अपने कैंपिंग टेंट लगाए थे, कुछ ऐसा सीन था। और गाइस, बड़ा ही मज़ा आया, आह नज़ारा आ गया यार। रात को हमने इधर कैंपिंग की बॉनफायर जलाया था, ये पड़ा है। और आप देख सकते हो गाइस, गांव अगर आपको दिख रहे होंगे। अभी हमने वो ऊपर जाना है, उधर में मेन हाईवे है, तो उससे निकल जाएंगे आगे की ओर। ओके दादी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय। तो गाइस, ये गाड़ी वाले भैया थे जिनके साथ हम आए हैं। भाई हेलो, क्या नाम है भाई आपका? हुप्तन। क्या? हुप्तन। हुप्तन। और ये भैया ने हमें ऊपर तक छोड़ दिया है। अभी हम निकलेंगे इस रास्ते से बोमडिला की तरफ। भाई कितना किलोमीटर है बोमडिला इधर से? 162 मतलब 162 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज कहां तक जाया जाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपका। चलो भाई। तो गाइस, फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है और 1-2 किलोमीटर तक भाई जाएंगे, भाई हमें उधर तक छोड़ देंगे। तो फाइनली तवांग से निकलने का जो सफर है वो शुरू हो चुका है। भैया क्या नाम है आपका? लावंग। ओके। और भैया नीचे कौन सा गाँव है भाई नीचे आपका? पाइखर। हम कल गए थे, पता नहीं कौन सा गांव था वो यार, नीचे गए थे। तीन चार गांव नीचे गांव है, हम उधर रुके थे रात नीचे गांव में। हाँ, थैंक यू भैया, आपने हमें लिफ्ट दी, थैंक यू सो मच। जहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाटर नहीं है, गर्म पानी है नीचे, उधर में नीचे गए थे हम। अभी नीचे रात सोए थे तो इधर अभी ऊपर आ गए ऐसे ही। अभी आगे आज जाएंगे, सीपा तक जाएंगे आज, बोमडिला सीपा। तो ये हमारी गाड़ी थी और भैया ने हमें इधर तक छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर आ गए हम। और इधर की साइड है जो क्या था वो, ईस्ट तवांग इधर की तरफ। और हमने जाना है इधर नीचे बोमडिला की तरफ। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं, फिर लिफ्ट लेंगे। और नीचे की ओर तो गर्मी ही गर्मी, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी होती जाएगी। तो जैकेट उतारने का तो दिल कर रहा है बहुत, पर उतारनी नहीं है क्योंकि हवा चलती है, अगर बीमार हो गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, फिर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उसका क्या फ़ायदा। तो चलिए गाइस, चलते हैं और अपनी लिफ्ट लेते हैं इधर से। तो गाइस, सुबह की ये तीसरी लिफ्ट है और मिल चुकी है हमें तीसरी लिफ्ट। बैग हमने रख दिए और भाई लोगों के साथ जा रहे हैं। भैया कितने किलोमीटर जाओगे आप? 3-4 किलोमीटर। तो चलिए, 3-4 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है, छोटा छोटा करते ही पहुंच जाएंगे शाम तक कहीं ना कहीं। थैंक यू भाई सो मच आपका यार, थैंक यू। तो गाइस, अभी फाइनली लिफ्ट लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं एक अच्छी जगह पे, पीसफुल जगह पे। और इधर में जसवंत सिंह जी, बाबा जसवंत सिंह जी घाट है बोलकर एक जगह है, तो उनकी याद में इधर में मंदिर बना हुआ है और ऊपर मेमोरियल बना हुआ है। तो वो दिखाते हैं आपको, मेमोरियल की तो वीडियो नहीं बना सकते, अंदर मंदिर है, मंदिर की बना सकते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। तो ये प्रॉपर हिस्ट्री है जो 1961 में इधर में जंग हुई थी चाइना और इंडिया के बीच, आपको दिख पा रहा होगा, ये आप देख सकते हो।
जसवंतगढ़ वार मेमोरियल, जसवंतगढ़ वार मेमोरियल 1962 भारत और चाइना युद्ध की एकता वीरता का प्रतीक है। 1962 में फोलोवेल राइफल ने इधर अपने कमिंग टुक से ऊपर इधर तैनात किया गया था, जिसमें इधर अल्फा कंपनी जिसमें जसवंत सिंह रावत थे। 17 नवंबर 1962 जसवंत सिंह रावत और चाइना ने भारत पर 5 बार अटैक किए थे। पहला जो अटैक हुआ था सुबह 5 बजे हुआ था, जो है कि मेन मोहन पास स्थानीय वेशभूषा के रूप में भारतीय सेना काफ़ी चौकन्ने थी, उसका मजबूत जवाब दिया और उनको इस अटैक को उन्होंने विफल किया। ऐसे ही 4 अटैक उन्होंने किए थे लगातार, 1:07:45, 9:10 और 10:45। दोपहर को जो अटैक हुआ था 2:45 पे, उसको चाइनीज को लगता है कि भारतीय सेना से ऐसे विजय पाना बहुत ही असंभव है, तो उन्होंने अपने पूरी ताकत के साथ और पूरी सेना के साथ भारतीय और मीडियम मशीन गन से भारतीय सेना पर हमला किया, और जिसमें जसवंत सिंह रावत और उनके साथी वीर जसवंत सिंह रावत उनके साथियों ने मिलकर उस मीडियम मशीन गन को चाइना से छीन के लाए और उन्हीं की छीनी द्वारा मीडियम मशीन गन से उन्हीं पर वार किया और 80,000 में से 300 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को उन्होंने उनकी मीडियम मशीन से ही मार डाला था, जिनका चाइनीज ग्रेवियर्ड के नाम से सामने बना हुआ है। इनकी वीरता और कुशलता को देखते हुए भारत सरकार ने इनको महावीर चक्र मरणोपरांत और जो उनके दोनों साथी थे उनको वीर चक्र से नवाजा। भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, फोलोवेल राइफल एक ऐसी यूनिट थी जिसे बैटल ऑनर और नूरांग से नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 1 सेना मेडल है। यह मेमोरियल 1966 में बनाया गया था जसवंत सिंह रावत की याद में। ओके। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति सिविलियंस और आर्मी अफसर, JCO और आर्मी सोल्जर्स जी, इनको इनकी शहादत को और वफादारी को नमन करके गुजरता है। ओके ओके। तो गाइस फाइनली अभी हमने जसवंत सिंह घाट है जो वो देख लिया है, बहुत ही अच्छा क्वाइट और पीसफुल प्लेस था, अच्छा लगा इधर आकर। और इधर में जो भी तवांग से ऊपर आता है या इधर से उधर जाता है तो हर बंदा रुक कर जाता है इधर में, और अभी ऐसा बोला जाता है कि उनकी अभी भी इधर प्रेजेंस है और उनके लिए हर रोज़ बिस्तर लगाया जाता है और इधर चाय का लंगर लगता है, और हमने चाय पी ली है और खाना भी हमने खा लिया है। अभी हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर, देखते हैं आज कहां तक पहुंच पाएंगे, और कुछ ऐसा रास्ता है अभी हम वॉक करते करते ओ उधर तक जाएंगे वॉक करते हुए, तो उधर से अपनी लिफ्ट है जो लेनी शुरू करेंगे और आपको लिफ्ट लेकर ही मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो क्या नज़ारा इन हसीन वादियों का, तो चलिए गाइस लिफ्ट लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है और ये हमारे आज के दिन की तीसरी और चौथी लिफ्ट है, चौथी लिफ्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई लोग हमें मिले हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल। और भैया आपका? सागर सैकिया। सागर। और भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? हम असम का। असम का रहने वाले, अच्छा। और भैया अभी मतलब रात को जाएंगे गुवाहाटी, पर हमने तो अभी दिरांग जाना है, दिरांग में सोएंगे, दिरांग घूमेंगे और मजे ले रहे हैं। देखो आप बाहर देख सकते हो क्या नज़ारा है यार। या गाइस तवांग की जिंदगी, तवांग का लाइफस्टाइल, मजा आ रहा है पूरा। और चलते हैं इधर से निकलते हैं अभी दिरांग की। और भैया कितने किलोमीटर तक जाओगे आप? कितने किलोमीटर होगा? लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर गाइस, 60 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। हाँ तो चलो चलते हैं जो जगह में हम लोग स्किप करेगा। ओके ओके ओके, सही है गाइस। ज़्यादा ठंड हो चुकी है
ठंड लग रही है भैया? ठंडा तो बहुत लग रहा है। अरे भैया ने तो कुछ पहना ही नहीं है, उस भैया ने तो बिल्कुल भी नहीं पहना। अरे पहनेगा अभी। अरे हमने देख लो इतने मोटे मोटे पहने, तब लग रही है। भैया का क्या हाल हो रहा होगा यार, सोच सकते हो आप। भैया को बोलो, आप कमेंट करो भैया पहनो। भैया बीमार हो जाएंगे नहीं तो। ठंडी बहुत चल रही है यार, आप देख सकते हो, कुछ दिख ही नहीं रहा, धुंध इतनी हो गई है, आगे बादल आ गए हैं। और भैया बता रहे थे, भैया सुबह इधर आए थे ऊपर, तो भैया बता रहे थे बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। भैया बहुत ज्यादा बर्फ हो गई थी? अच्छा, इधर रोड के ऊपर आ गया था बर्फ? रोड की साइड पे। तो अभी तो बर्फ पिघल गया है क्योंकि धूप आ गया था पहले, धूप आ गई थी पहले, और फिर अभी फिर धुंध आने को, आप देख सकते हो बादल फिर आ गए, अभी धूप भी है। तो अगर काश हम सुबह आ जाते तो हमें बर्फ देखने को मिल जाता। हाँ, तो अभी तो नहीं है। तो चलिए, अभी हमने शीला जो टॉप है वो क्रॉस कर ली है, अभी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारे। गाइस देख सकते हो बादल कैसे ऊपर ऊपर आ रहे हैं। तो इधर में पूरा अभी ट्रैफिक जाम लगा है, और भैया ने गाड़ी रोकी थी तो सोचा हम एक दो फोटो क्लिक कर लें, देख लें, मज़े ले लें हम भी। अभी तो यार मुंह से भी निकलने लगे हैं। ओहो, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, हम तो ग्लव्स भी नहीं लेकर आए इधर। और आनंद मानिए यार, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा इधर। ओहो, क्या बात है। कैसे हो भाई लोग, ठीक हो? कहाँ से हो आप? हम लोग डिब्रूगढ़ से, असम से। डिब्रूगढ़ से? ओके ओके। आप कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ भाई। हाँ, कैसे हो भाई? बढ़िया, कैसा क्या? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। आप सभी लोग असम से हो? असम, असम। ऊपर हो जाया है आप? हा? कैसा लगा आपको? बढ़िया है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठंड बहुत है ना? बहुत है। ऊपर पास पे गए आप, बोमला पास पे? बोमला पास पे जाने नहीं देते है ना? हाँ, बाइक अलाउ नहीं करते वहां पे। सही है, सही है। ठंड बहुत हो गया अभी तो ना। ओके भैया, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय। तो गाइस गाड़ी चेंज, अभी लिफ्ट मिल चुकी है हमें, दूसरी लिफ्ट। भैया ने उधर तक रुकना था और हमने जाना है आगे, क्योंकि टाइम बहुत ऊपर जा रहा है, इधर सुबह जल्दी डल जाता है। चलते हैं, बैग हमने रख लिए हैं। तो गाइस अभी गाड़ी रुकी है और इसमें सामान ढोया जा रहा है, और दादियां देखो काम कर रही हैं। क्या बात है यार, ये होती है काम करने की पावर। मिलता है एक सिलेंडर, ये कितने का? 1000 का एक, 1000 से ऊपर चला गया। ओहो, बहुत महंगा है ना ये तो। फिर तो इतने आप एक के घर पे या दोनों के अलग अलग? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। बाय बाय। अरे बिठा लो। तो गाइस फाइनली हम दिरांग के अंदर पहुंचने वाले हैं, 6 किलोमीटर रह गए इधर से, और 3 किलोमीटर पे एक हॉट स्प्रिंग है। आप बोलोगे कि नहाता तो नहीं है, हॉट स्प्रिंग करी जा रहा है, पर आज मैंने नहा लेना यार, पक्का 101%, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, आज मैं नहा लूँगा। तो चलिए अभी हॉट स्प्रिंग पे चलते हैं, 3 किलोमीटर है, देखते हैं लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती। अभी तक तो कोई आ नहीं रही, पूछते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर। ये है हॉट स्प्रिंग, किधर है? ऊपर है, इसके अंदर है नहाने वाला। तो ये है हॉट स्प्रिंग नहाने वाला, इधर गर्म पानी है। भैया गर्म पानी है, मजा आ रहा है? कैसे हो आप लोग? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी हॉट स्प्रिंग के अंदर, और इधर नहाएंगे। आज मैं नहा रहा हूँ 5 दिन बाद, मजा आएगा। बीड़ू क्या बोलती पब्लिक, ठीक हो?
ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ जो भैया हमें सुबह छोड़ के गए थे वो भैया ने दोबारा लिफ्ट दी, इन्होंने हमें देख लिया और रोक लिया। भैया धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे कभी दोबारा। आपके पास YouTube है, देखना YouTube पे, ठीक है? हाँ, दो दिन बाद ओके, चलो बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली हमने अपना सामान ले लिया, आज फिर दोबारा कैंपिंग होगी और कुकिंग होगी। गिलास ले लिए हैं, चिकन है, राइस ले लिए हैं, प्लेट ले ली है, और ये मसाले ले लिए हैं सारे, और ये प्याज ले लिए हैं। भैया थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस अभी लगाते हैं अपना टेंट वही स्कूल के अंदर और फिर आपको मिलते हैं खाना बनाते हुए। तो गाइस फाइनली इधर अपना बॉनफायर चल रहा है और इधर हमारा बन चुका है चिकन। क्या बात है, बड़े दिनों के हम तरस रहे थे चिकन बनाने के लिए, बट फाइनली अभी हमने है जो बना लिया है चिकन अपना, और बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। क्या बात है, मज़े आ रहे हैं भाई ज़िंदगी के, तो हम इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी, तो असली मज़े तो हम ले रहे हैं। तो चलिए गाइस खाते हैं अपना खाना, अभी राइस बन रहे हैं, राइस बनाते हैं, तो खाना खाकर फिर आपसे मिलते हैं।